यहाँ नदी से निकले इधर कहीं बालू है, टोटल इस साइड पानी है, पानी है, पानी है इधर टोटल पानी पानी। कहाँ गलवा घोरा दे हमने देखो। मैं हर घर में विकलांग चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे हों चाहे नौजवान हो, फ्लोराइड पानी में फ्लोराइड दूषित वजह से यहाँ पूरा गांव का गांव पूरा विकलांग पड़ा हुआ है। इसको देखते हुए कई बार सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की टीमें आई जो सर्वे की। इसके बाद यहाँ की महत्वाकांक्षी परियोजना ये पूरा पेयजल परज पेयजल समूह योजना के तहत यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है टंकी का। ये पूरा 68 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ के ठेकेदार और अधिकारी भ्रष्ट अधिकारियों को मिलकर के पूरी परियोजना ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हम टारगेट तो रखें कि मार्च तक पूरा कर देंगे, पैसा भी नहीं आ पाया। 75% काम पूरा कर दिया। तो क्षेत्र में बता रहे हैं ग्रामीणों का कहना है कि पानी बहुत दूषित है, उनकी उम्मीदें बनी हुई है, काम लगातार नहीं, तो इसीलिए तो योजना बना रहे हैं कि उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों ने बाल अधिकार परियोजना में काम करते हुए समाज सेवा के दौरान ये चिन्हित किया और इस पर जब तमाम शोध हुए तो यह ज्ञात हुआ कि पानी के जरिए फ्लोराइड आ रहा है। उस फ्लोराइड के चलते मतलब जो है कि ये समस्या हो रही है। तो फिर हुआ कि शुद्ध पानी इनको मुहैया कराया जाए, जो भूगर्भ जल है उससे मतलब जो है कि फ्लोराइड की मात्रा मिले जिससे प्रभावित हो रहे हैं बच्चे। तो उसके बाद मतलब जो है कि लंबे मशक्कत के बाद एक कार्ययोजना बनी और ये सोन नदी से जल उठा करके जल शोधन करके इन गांवों में जो भी फ्लोराइड प्रभावित गांव थे उनमें सप्लाई करना था इस पानी को। योजना बनी, बजट निर्गत हुआ, सारी चीज़ हुई, लेकिन जो है कि योजना ये लग रहा है इनके करतूतों से कि मैंने व्यर्थ की ही होगी।